बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है। जेडीयू समेत कई दल बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा में केंद्र सरकार का जवाब आ गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों का सपना चकनाचूर हो गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा, विशेष राज्य के दर्जे के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था। केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इस रिपोर्ट में मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। इधर दिल्ली पहुंचे लालू यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और अगर नहीं दिला पाते हैं तो इस्तीफा दे दें। राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस मांग को उठाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद ये पेंच एक बार फिर से फंस गया है। आपको बता देते हैं कि किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए गाडगिल फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। इसके मुताबिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास हैं और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता देने के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इस बार विशेष राज्य की मांग के साथ केंद्र को समर्थन जेडीयू ने दिया है। अब देखना है इस मांग के खारिज होने के बाद क्या मोदी सरकार संग जेडीयू रहेगी या फिर बिहार में खेला होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।